ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो जरा स्किप नहीं करनी है, आपको इतने लंबे सवाल याद करने की जरूरत नहीं है, 40-50 प्रैक्टिकल, सिर्फ आपको तरीकाकार पता होना चाहिए क्योंकि आपने करना कैसे है, ऐसे चुटकियों में आपके 10 में से 10 आ जाएंगे, वो एस्टर बेस्ड इटरेशन से ही पूछ लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो जो है वो सेकंड ईयर जिन लोगों ने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स देने उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो जरा स्किप नहीं करनी। अगर आप 30 में से 30 लेना चाहती हो तो ये वीडियो जो है वो आपने जरा भी स्किप नहीं करनी, ठीक है, इसको मुकम्मल समझना है और देखना भी है। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज ईशान हुसैन और आप देख रहे हैं आपका चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी एजुकेशन के हवाले से लेटेस्ट न्यूज आए, वीडियो लेक्चर्स आए, वो आप तक बरवकत पहुंचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले भी हम पेपर पैटर्न समझते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है प्रैक्टिकल्स का। भाई आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा इस साल जो है वो फर्स्ट ईयर से भी आएंगे, सेकंड ईयर से भी आएंगे। दोबारा सुन लें, फर्स्ट ईयर से भी आएंगे, सेकंड ईयर से भी आएंगे, सही है। फर्स्ट ईयर में से भी एक सवाल 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आपका जो है वो आएगा सेकंड ईयर में से साल्ट एनालिसिस। फर्स्ट ईयर से आएगा वो टाइट्रेशन के हवाले से आएगा, टाइट्रेशन के हवाले से 10 नंबर का सवाल आएगा, 10 नंबर का आपका साल्ट एनालिसिस आएगा। साल्ट एनालिसिस बड़ा समझने में लग रहा है लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा आपने करना कैसे है, ऐसे चुटकियों में आपके 10 में से 10 आ जाएंगे, कुछ मतलब आपको इतना ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर का आपको ग्रुप आइडेंटिफिकेशन आएगा, मतलब आपने को ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, वो लिखना भी है, आप परफॉर्मेंस वगैरह भी करके दिखाओगे, ठीक है, जो कि आमतौर पर करवाई ही नहीं जाती। उसके बाद 3 नंबर का आपका वाइवा होगा और 2 नंबर की आपकी कॉपी होगी, ठीक है। तो इस तरह आपके टोटल बनते हैं जी 30 नंबर, सही है। अब जो टाइट्रेशन है वो है जी 3 टाइप्स की टाइट्रेशन, आपके पास 3 टाइप के एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, KMnO4 टाइट्रेशन है और उसके बाद जी आयोडीन टाइट्रेशन है, ठीक है। तो भाई आमतौर पर जो सवाल पूछा जाता है वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से ही पूछ लिया जाता है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से ही पूछ लिया जाता है, सही है। डिटेल में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसकी फर्दर 7 है, आपको इतने लंबे सवाल याद करने की जरूरत नहीं है, 40-50 प्रैक्टिकल, सिर्फ आपको तरीकाकार पता होना चाहिए कि आप ऐसे कर लोगे, सही है, आपको ऐसे कर लोगे, कोई मसला नहीं है, सही है। साल्ट एनालिसिस में आपको सारा याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कोई से 5 याद कर लो, बिकॉज वो आपको खुद ही कहेंगे कि भाई आपको कौन सा आता है, ठीक है, आपसे पूछ लेंगे भाई आपको कौन सा आता है, तो आपको जो आता है वो लिख दो, सही है। तो आमतौर पर जो फेमस होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नेक्स्ट अगली वीडियोज में, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट अगला आपका सवाल आता है ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, तो आमतौर पर आपको पूछा जाता है कीटोनिक ग्रुप आप फाइंड करो, मतलब एल्डिहाइड, कीटोनिक, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहलिक, ये ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, ये ज्यादा पूछे जाने वाले ग्रुप्स हैं जो कि आपको बार बार पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल्स में, सही है। उसके बाद वाइवा में जो है वो आपसे मतलब 3 सवाल पूछे जाते हैं, हर सवाल का 1 नंबर होता है, आप इजिली उनका अगर जवाब दे देते हो तो आपके पूरे नंबर लग जाते हैं, सही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो को स्किप नहीं करना, बिकॉज हम व्हाइट बोर्ड पे जाके बताएंगे कि आपको किस तरह लिखना है, क्या चीजें छोड़नी है और क्या याद करनी है और कितना याद करना है। ज्यादा याद नहीं करना, जस्ट थोड़ा याद करेंगे लेकिन नंबर पूरे होंगे आपके, अगर आप थोड़ा याद करके पूरे नंबर ले रहेंगे, ठीक है, तो फिर आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।